आई आखी खरा
उसको अति स्तुति नहीं करनी चाहिए। इसलिए 10 तरह का नाम अपराध है, लेकिन उसमें एक नाम अपराध है, अगर हम बहुत कोशिश करें तो ना नाम अपराध को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो एक नाम अपराध उसको छोड़ना बहुत कठिन है। वो क्या है, यदि शरीर का प्रति मैं और ये शरीर संबंधी वस्तु जो मेरा है, मैं और मेरा कितना मैं मेरा तय करी, ये माया है, यही माया है, ये चीज को छोड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम इस शरीर में आसक्त है, खाते शरीर को सजाते आसक्त, शरीर को पहनाते शरीर को, बड़ा कठिन है शरीर का प्रति अपना आसक्ति को छाड़ना छोड़ना, और ये शरीर संबंधी वस्तुओं को आसक्ति छोड़ना बहुत ही कठिन है। फिर प्रश्न होता है, अरे ये चीज को हम कैसे छोड़ना, क्योंकि जब तक ये 10 तरह का नाम अपराध को हम त्याग नहीं करते है ना, फिर तब तक ये शुद्ध नाम नहीं होता है, शुद्ध नाम नहीं होता है। अभी यह प्रश्न करते फिर कही जाए, फिर भक्तिमय ठाकुर कहते हैं एक उपाय है। बोले क्या उपाय है, बोले अगर 24 घंटा उठते बैठते सोते हर समय कोई व्यक्ति हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, अगर कोई 24 घंटा में 24 घंटा अगर कोई उठते बैठते सोते हर समय हरे नाम करते रहे, फिर तो क्या होगा, अगर अभीष्ट सारा दिन अगर प्रभु का नाम में रहे तो और दूसरे वस्तु में अभीष्ट खत्म ही हो जाएगा, अभीष्ट रहे ही नहीं। इसलिए भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं 3 तरह का वैष्णव है, एक कनिष्ठ, एक मध्यम और एक उत्तम, 3 तरह का वैष्णव है। कहते कनिष्ठ वैष्णव कौन है, बोले जो कभी कभी जो हरिनाम करते हैं, जो कभी कभी हरिनाम करते हैं। कहते मध्यम वैष्णव कौन है, कहते जो निरंतर 24 घंटा में 24 घंटा कभी समय को नष्ट नहीं करते हुए सारा दिन हरिनाम करते हैं, कहते ये मध्यम। उत्तम वैष्णव को नहीं, बोले जिनको देखने पर अपने आप मुंह में भगवान का नाम आ जाए उनको उत्तम वैष्णव कहते हैं, उनको उत्तम वैष्णव। इसलिए अगर कोई सारा दिन हरि नाम करे, जब मैंने पहले आया सागर महाराज की कथा कर रहे तो मैंने सुना, सुन करके मैंने हरि नाम करना शुरू किया, सारा दिन हरि नाम करनी चाहिए, हाथों में सेवा और मुंह में नाम, हर में सारा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। अभी मैं सारा दिन हरिनाम करना शुरू किया, जब हरिनाम करना शुरू किया मैं जब सो जाता था, लेकिन मेरे को पता नहीं चलता था, कहते मेरे को पता नहीं चलता था मैं सोया हुआ हूँ, लेकिन सोते समय भी मैं कभी हरिनाम करता, लेकिन ये बात मेरे को पता नहीं चलता था। हमारा मंदिर में मुनि महाराज है, पुरी महाराज थे, जब हम सवेरे उठता था मेरे को बोलते थे तुम सोते सोते हरे कृष्ण नाम कर रहा था, और हमारा मंदिर में ना सब लीला है, जो बाहर से यात्री आते हैं उनको हम दर्शन कराते हैं लीला सारे भगवान की, अरे लोगों को समझाया करते देखो ये कृष्ण लीला है, ये राम लीला है, भगवान ये लीला किया। अरे सोते समय मैं कभी कभी सोते सोते भी लोगों को जैसे दर्शन कराता था ना, सत्य सत्य भी दर्शन कराया करते थे। इसलिए यहाँ पर श्री महाप्रभु क्या करते थे, तुम सवेरे सवेरे उठ करके सारे भक्तों को साथ में ले करके क्या करते थे, नगर के शहर में ले जाते थे मृतंग और मजीरा लेकर के, बोले ताथई ताथई बाजल खोल घन घन ताहे झांझल रो, मृदंग बजता है और करताल बजती है, हाँ भक्त समूह लई आ गेला नगर ब्राजे, इसलिए ताथई ताथई बाजल खोल घन घन ताहे झांझल रोल, प्रेम में ढल ढल सोनार अंग चरण महाप्रभु बड़े सुंदर तो गौर वर्ण लंबे चरण पूर्व सुंदर महाप्रभु देखने को रहते हैं, बड़े सुंदर महाप्रभु थे। इसलिए जब महाप्रभु कीर्तन करते थे अपना ढलते ढलते बड़े प्रेम से ढलते थे तो महाप्रभु जब कीर्तन करते थे अभी कितने सुंदर महाप्रभु लगते थे। इसलिए उसके बाद में कहते ही एमन दुर्लभ मानव देह पाया किकर भावना क्या, भैया ये जो मानव शरीर है तुम्हें 84 लाख जन्मों के बाद में ये मानव शरीर मिला, एक बार तो सोचो कम से कम भगवान इतने
कष्ट से ही मानव शरीर दिया है, लेकिन ये मानव शरीर का अगर हम कर रहे हैं कि ये चीज तो कभी सोचनी चाहिए हाँ? इसलिए कहते हैं मानव शरीर नहीं, उसको बताया ये चंदन की बाग है, चंदन की बाग है। चंदन की बाग को पाकर हम क्या करते हैं तो ना, ये राजा जा रहा था, देखा कि लकड़ हाथ जंगल से लकड़ी को काट कर जला कर कोयला बना करके मार्केट में बेचता है, क्या करता हूँ यही करता हूँ, किसी तरह से 50,000 रुपया कमाता हूँ, आज से तुम्हारी जीवन का सारे कष्ट खत्म हो जाएगा, तेरे को चंदन की बाग देता हूँ, आज से तुम्हारा दूर कष्ट खत्म। एक साल बाद में जब राजा उधर से जा रहा उधर वही काम करेगा, वही गरीब बोले क्या कर रहे हैं पहले जो करता था, बोले पागल पूरा हमने चंदन बगीचा पूरा काट करके जला करके हमने कोयला दर में बेच दिया, बोले पागल तेरे को पता है कि चंदन की बगीचा तेरे को दिया था, अभी इसी समय एक किलो चंदन लकड़ी का कीमत 25-30 हजार रुपया है और एक वृक्ष में कितना होगा 1000 किलो होगा, मतलब अरब खरब रुपया तेरे को दिया, पूरा चंदन को जला करके तुमने कोयला दर में बेच दिया। इसलिए कहते ये मानव शरीर नहीं, ये कोयला है, हीरा है ये जीवन है, लेकिन कोई नहीं तो हीरा है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, कोई नहीं हीरा को एकदम एकदम बेकार जीवन को हम बेकार जीवन में बिता रहे हैं। मतलब क्या है, जन्म जन्मांतर में जो करते करता है क्या करते करता है, मतलब चार ही काम करते करते करता है, दिन में दो काम रात को दो काम किया, दिन में पैसा कमाओ पैसा से परिवार को मेंटेन से करो, रात में विश्राम और विषय भोग यही किया, बल्कि जीवन पाकर हम भी ये जीवन को ऐसे खा पी करके बस ये जीवन को हमें ऐसे ही जैसे चंदन की लकड़ी को जैसे जला करके कोयला दम में बेच दिया, हम भी ये मानव शरीर पा करके भगवान की भक्ति कर सकते, भगवान की भजन कर सकते थे, भगवान की भजन करते हुए हम भगवान के पास में जा सकते थे, बाहर पीने खाओ पियो मस्ती संसार दुनियादारी करो हमेशा दुखते दुखते सूर जैसे खा पी करके जीवन को नष्ट कर देते, हम भी ऐसे नष्ट कर दिए हैं। इसलिए महा यहाँ पर कहते एमन दुर्लभ मानव देह, कहते पाया की कर भावना के हो, तुम लोग कोई भी नहीं सोच रहे हो जीवन हम कर रहे हैं क्या, बोले एबे ना भजिले जसोदा सुख चरम लीला, अगर अभी तुमने भगवान की भजन नहीं किया तो बड़ी वे लाजे, मतलब है जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम कह रहे हैं हम बोले देत ईश बिनु हेतु सनहि, कि जो मानव शरीर भगवान ने बिना कारण की कृपा करके कैसे मानव शरीर दे दिया, हम शरीर पाने का कोई योग्य नहीं है, कोई कहता है ना अरे हमने अच्छे बढ़िया कर्म किया ना इसलिए भगवान हमें मानव शरीर दिया, तो नहीं तुम्हारी कोई कर्म से नहीं मिला, भगवान अहेतु की है, भगवान अहेतु की कृपा करके कैसे ये मानव शरीर दिया, इसलिए देत ईश बिनु हेतु सनेह, बिना कारण के स्नेह पूर्वक उन्होंने ये शरीर तुम्हें प्रदान की है बिना कारण के, इसलिए बोले सूर्य दुर्लभ सत्य देवताओं के लिए भी, कहते स्वर्ग में देवता रूप में तो बन सकते हो लेकिन स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं, फिर वो पुण्य करके फिर मानव शरीर में आ सकते, उसके बाद गर्दे कुत्ते स्वर करके जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन इस वहाँ पर ऐसे कोई कर्म नहीं फिर तुम फिर ये मानव शरीर पा सकते, सूर्य दुर्लभ मतलब देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए वो कहते हैं अगर तुमने भगवान के भजन नहीं किया कर धोन धोन पछताए कर बात में सिर पिटते रहोगे, लेकिन फिर भगवान के मानव शरीर हमें नहीं देंगे, फिर जीवन हमें नहीं मिलेगी। उसके बाद में कहते हैं बोले उदित तपन हैले अस्त दीन गेलवली है व्यवस्थ, जैसे उदित तपन जब सूर्य उदय हो गए अस्त हो जाता है, हम कहते हैं ना भैया सारा दिन चला गया, कहते ना आज दिन चला गया है व्यवस्थ, तो तबे कहना है अलस है नाभज हृदय राज, एक दिन जब चली जाती है तो हमारा एक दिन सब काल नष्ट कर दिया, एक दिन हमारे खत्म हो गया, तो वो कहते हैं फिर भगवान की भजन क्यों नहीं करते हो, इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं सभी का परमाय तो ये काल नष्ट कर रहा है, कि सूरज नहीं ये काल है, ये सबका परमाय तो नष्ट कर रहा है, तो एक व्यक्ति का परमाय काल नष्ट नहीं कर सकता,
अगर किसके तसर के जम खेड़म नीट तमस मशोहार। जितने समय हम भगवान की कथा कीर्तन भजन में जितने समय लगाते हैं उतना समय काल का प्रभाव इसको फिर में कोई असर नहीं कर सकता, क्योंकि वो काल का काल भगवान ही। इसलिए हमें कथा सुनाता हूँ, लाला बाबुर भेला गेला। एक बंगाल में बहुत बड़ा जमींदार था जिसका नाम था लाला बाबुर। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा जमींदार है, तो ये फेरी वाली आई थी काम जैसे बेचने के लिए, फेरी वाली आई थी, वो फेरी का काम करती है, सामान देती है और शाम को पैसा लेकर चली जाती है। उसी समय जो जमींदार जो थे उस छत के ऊपर में खड़े हुए थे, दूसरी तरफ में सूर्य अस्त हो रहा देख रहे थे, और इधर में वो जो फेरी वाली थी बोले लाला बाबू बेला गेलो, मतलब आज दिन चला गया, सूर्य डूबने जा रही है, पैसा दो, हाँ हमें पैसा दो और जाना बहुत दूर तक हमने और समय बहुत कम है, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी पैसा दो और मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। मैंने ये चीज को कितने कितने अच्छे रूप में पानी ले लो पानी रखा कितने अच्छे रूप में ग्रहण किया। पहले लोग सबके गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, सारे लोग हर शास्त्र में ये चीज लिखा हुआ है कि मानव शरीर दुर्लभ है और ये जीवन पा करके भगवान क्यों दिया, भजन के लिए जीवन दिया, बारंबार ये शरीर नहीं मिलता है और जितने जल्दी बार भगवान ने भजन करो। पहले सब लोग यही यही चीज, हम जब हम गांव में थे ना वहाँ पर टोली टोली बैठती थी, हैं महाभारत पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे और सारे गाँव का लोग बैठते थे कथा सुनते थे। मैंने जो गाँव में छोटा बच्चा था मैं तो उस समय बहुत 10-11 साल 9 साल, लेकिन उसी समय में भी जाकर मैं बैठता था, है गांव में बैठता था, सुनता था लोकेश रामायण भागवत जैसे वहाँ पर बैठ कर पढ़ाई होती है, लोग बैठ कर सबके सब सुनते हैं, लोग सबको पता था ये जीवन दुर्लभ भजन करनी चाहिए। लाला बाबू को भी पता था जीवन दुर्लभ है, हाँ समय धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। जब वो फेरी वाले ने ये बताए लाला बाबू बेला गेलो और समय डूब गया और जाना बहुत दूर है और समय कम है मेरे पास में, मेरी बात तो सही, मेरा जीवन तो गया विषय भोग करते करते गया और समय नहीं और जाना दूर है, कहाँ तक भगवान तक हमें पहुंचना है जीवन में, और समय डूबते हुए जा रहे और हमारी जीवन भी खत्म होते हुए जा रहा है, मेरी बात सही बता रहे। और हमें घर में रहने ही रहनी चाहिए, और क्योंकि जो विषय है इसका बंधन कभी जीव को छोड़ता नहीं, कहते ना हम इसको कल करेंगे, बोले कल नहीं जो आज नहीं ना वो कभी नहीं होता है, इसलिए कभी नहीं होता है। उसने सोचा आज हमें घर त्याग दे करके वृंदावन जाकर भजन करनी चाहिए। वो छत के ऊपर में खड़े थे, सूर्य देखा अस्त हो रहे थे, तो जीवन का सूर्य अस्त होते जा रहा है, उन्होंने छत के ऊपर से नीचे उतर कर कहा और मेन रोड में खड़े रहे, वो सोच रहे अभी क्या करें, वृंदावन चले जाए ना और कुछ दिन रह जाए, क्योंकि बहुत बड़ा जमींदार थे, उनको बच्चों को देना किसका पैसा होगा, जमींदारी बहुत सारी झमला बहुत जमींदार था, वो सोच रहे थे और कुछ दिन रुक जाए, हैं रुक करके सारे काम को निपटा करेंगे ना फिर तो हम वृंदावन में जाए, लेकिन आप देखना हम कहते ना ये सारे काम निपट जाए भजन करेंगे, बल्कि तुम निपट जाओगे लेकिन काम कभी नहीं होगा, हम खुद निपट जाएंगे काम कभी नहीं निपटता है। उसने सोचा फिर सोच रहा है कि काम तो कभी निपटने वाले नहीं आज चल जाए, फिर सोच रहे नहीं और कुछ दिन रह करके सारे काम को सबको पर दायित्व दे कर चला जाऊंगा। इतने में जो मेन लोग टुकड़े खड़े थे एक जमदारानी वो रोड को साफ कर रही थी, जो साफ कर रही थी मेन रोड में खड़े होकर सोच रहे, वो बोली लाला बाबू एक तरफ हो जाओ एक तरफ हो जाओ, बोली तो सही बता रहे अभी तो मैं दो तरफ में हूँ, सोच रहा हूँ और कुछ दिन करके सारे काम को निपटा करके जाओ, ये कभी निपटेगा नहीं, एक तरफ हो जानी चाहिए। और नहीं उन्होंने सारी जमींदारी को छोड़ा, छोड़ करके वृंदावन में आए भजन करने के लिए आए, वो बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन उसी समय और एक बड़ा जमींदार था जिसका नाम था जगत से, वो भी बड़ा जमींदार है,
वृंदावन में जो रंगत मंदिर है, रंगत मंदिर देखा उन्होंने, वो रंगत मंदिर है और उसको पास में एक लाला बाबू का मंदिर, मुझे लगता है आप देखे नहीं, आपने देखा वो एकदम पास में है। परिक्रमा में हर साल हम वहाँ जाते थे, गुरुदेव ले जाते थे, अभी बहुत लोग हो गए ना इसलिए जाना नहीं होता है। अभी वो जो जगत सेठ था वो बड़ा जमींदार था, उसको साथ में लाला बाबू भी समझा, दोनों ही जमींदार, इसलिए दोनों में बड़े दिन तक मामला चल गया, मकदमा चल गया, क्योंकि दोनों ही संपत्ति की लेकर बड़े लड़ाई झगड़ा होती बड़े दिन तक। इन्होंने जब सब छोड़ करके भजने करने के लिए आए, अभी जो जगत सेठ था उसका रोज काम था जो दुखी दरिद्र होते थे वहां पर जो वृंदावन में भजन करने के लिए आते थे वो रोज उनको रोटी सब्जी सबको दिया करते थे। लेकिन ये जो लाला बाबू तो सब छोड़ करके आए, उनको तो भाई से खाना खा करके माधुपुर करके चलना पड़ेगा, सारे को सारे भक्त लोग तो जाते ही उनसे रोटी सब्जी लेते, लेकिन ये नहीं जाते, क्यों? उनको साथ में बड़े दिन तक लड़ाई झगड़ा मामला मकदमा चले, उनको अपना शत्रु मानते हैं इसलिए ये नहीं जाते। अभी राधा रानी बड़ी दया, बड़ी कृपालु राधा रानी है, जब तक तो राधा रानी की कृपा नहीं हो ना वृंदावन में कोई भजन नहीं कर सकते। जिसको अगर राधा जी की कृपा हो वही व्यक्ति ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए अभी राधा रानी ने देखा ये सब कुछ संपत्ति छोड़ कर आया है, सारे संपत्ति, लेकिन अभी इसके मन में अभिमान है, उसका प्रति द्वेष है, द्वेष किसा रहेगा तो भक्ति नहीं कर सकते हो। इतने में राधा रानी छोटी सी एक बालिका बन करके आ गई, आकर के लाला बाबू को बोले बाबा तुमने तो सब कुछ त्याग करके वृंदावन में आए हो, लेकिन अभी तक अपने अपना मान को ईर्ष्या द्वेष को ये चीज को छोड़ नहीं पाए, क्योंकि सबके सब जाते हैं उनके पास में माधुकरी लेने के लिए, लेकिन आपके अंदर में अभी भी पूर्व बात याद है, ये मेरे शत्रु है, ये मेरे मित्र है, ऐसे करोगे तो भक्ति नहीं कर सकते हो वृंदावन में। भक्ति करने के लिए सरल हृदय होनी चाहिए है, सबको समभाव से देखनी चाहिए। जो बोले पूरी बात सही बता रही, ये लड़की तो सही बात बताए, उसने क्या किया जिस लाइन में सब है, भिखारी लोग जिस लाइन में खड़े थे, साधु लोग जिस लाइन में खड़े होकर के उनसे रोटी लेते थे, उन्होंने जाकर उसी लाइन में क्या जाकर के जब उन्होंने रोटी दे रहे थे उन्होंने देखा ये तो लाला बाबू है, वही जमींदार जिसको साथ में मेरी बहुत देर तक मामला मकदमा चली, लेकिन वो साधारण हाँ भिखारी लाइन में खड़े होकर मेरे से रोटी ले रहे हैं। जब उन्होंने देखा फिर क्या हुआ, हृदय क्या होगा, द्रवीभूत हो जाता, पिघल जाती है, मतलब उन्होंने सारे चीज को छोड़ दिए, हाँ ईर्ष्या द्वेष जो पहले था उसको छोड़ दिए, तभी तो मेरे पास में रोटी मांगने के लिए आए, हाँ इतने बड़े जमींदार। फिर दोनों को उन्होंने दोनों का आलिंगन किया और हृदय में जितने उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष था सारे ईर्ष्या द्वेष उन्होंने हृदय से संपूर्ण रूप में धो डाले, धो करके फिर उन्होंने उनसे माधव कर लिया, फिर हृदय पवित्र हो गया, फिर उन्होंने भजन किया। इसलिए उनका एक मंदिर वहाँ पर है लाला बाबू की, और जो ठाकुर जागृत ठाकुर है, कभी चोर लोग वहाँ चोरी करने के लिए गए ठाकुर का अलंकार, वो चोरी करते वहीं पर अंधे होकर गए, अंधे हो गए सबके सब, वहाँ से निकल नहीं पाए वहाँ पर, मतलब ठाकुर इतने जागृत ठाकुर थे हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं उदित तपन हैले अस्त दिन गेलवलि है व्यवस्त, जब सूर्य अस्त हो जाता है भैया हमारा दिन चला गया, फिर जब दिन चला गया क्या करोड़ रुपया देने से एक श्वास वापस आएगी, नहीं आएगी, तबे के नलस है नाबज हृदय राजे, फिर क्यों अलसता करते हो, अभी तो क्यों भजन नहीं करते हो, जितने जल्दी जल्दी पारो भगवान की भजन करो। इसलिए बोले मन दुर्लभ, उसके बाद में कहते हैं बुद्ध कहते हैं जीवन अनित्य जाना सार ताहे नाना विध विपद भार नामाश्रय करे जतन तुम्हें था तो अपने कार्य, कहते हैं जीवन अनित्य जाना सार, ये जो जीवन है ये अनित्य है, ये निश्चित रूप में उस समय हम कहते ना अभी क्या भजन करेंगे, अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई करना नौकरी चाकरी करना शादीशुदा करना बच्चों को शादी दे करके जब रिटायर्ड लाइफ होगा तो भजन कर लेंगे, कहते भैया निश्वास नहीं विश्वास, ये निश्वास कब बंद हो जाएगा उसमें कोई विश्वास नहीं है, कदारुद्ध भविष्यति,
इसलिए जितने जल्दी पार भगवान की भजन करो, इसलिए जीवन अनित्य जाना सार, मतलब जीवन एक दिन नष्ट होगा ही, ये जीवन को कोई रख ही नहीं सकते हैं। ताहे नाना विध विपद भार, संसार में तरह तरह का विपत्ति, तरह तरह का आपत्ति विपत्ति है। ताहे नाना विध विपद भार, नामाश्रय करी जतन तुम ठाकुर आप नकल, मतलब भगवान का नाम को आश्रय करते हुए करो, भगवान की सेवा मान कर करो, ठाकुर की सेवा मान कर करो और भगवान के नाम को आश्रय ग्रहण करो। इसलिए कहते कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ाओ भक्त विनोद प्राण, नाम बिना के चुन नाही का हार, चौदह भुवन भाज। इसलिए भक्त मोहन ठाकुर अपना मन को समझा रहे हैं, बोले कृष्ण नाम सुधा करिया पान, कहते ये जीवन में परम शांति कब मिलेगा। हम सोचते सभी दुनियादारी वस्तु को पा करके सारे जीवन में शांति पा लेंगे, बोले भैया नहीं, रावण को जब शांति नहीं मिला सोने की लंका पा करके, जैसे मंदोदरी जैसे सुंदर स्त्री पा करके, मेघनाथ जैसे पुत्र पा करके, जब उसको ही शांति सुख नहीं मिला, हम कितना संसार कितना संग्रह करके शांति पा लेंगे, बोले नहीं। कहते कृष्ण नाम सुधा करिया पान, शांति तभी मिलेगा जब कृष्ण नाम रूपी अमृत का जब तुम पान करोगे। इसलिए जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, इसलिए भक्त मोहन ठाकुर कहते हैं अपना जीवन को कृष्ण नाम रूपी सुधा पान करके अपना हृदय को तृप्त कर लो। इसलिए नाम बिना के छो नाही कार, चौदह भुवन बाजे, ये चौदह भुवन में नाम को छोड़कर और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं। इसलिए जीवर कल्याण साधन काम, जगत आसीय मधुर नाम, अभिद्याति मेरा तपन रूपे हृदय गगन विराज। इसलिए भगवान का नाम इसे जीव को ऊपर में कृपा करने के लिए कृष्ण स्वयं हरि नाम रूप में, ठाकुर जी स्वयं हरि नाम रूप में आए हैं। इसलिए जी मेरे कल्याण साधन काम, जगत आसीय मधुर नाम, अविद्या तिमिर तपन रूपे जीव हृदय गगन विराज। कहते अविद्या रूपी जो अंधकार में, हाँ कहते मेरे भगवान का जो नाम है ये उदय होकर के क्या करता है, उसको हृदय को आलोकित कर देता है। इसलिए ये जो भजन है हमारे कौड़िया मठ में रोज रोज सवेरे सबके सब यही भजन को गाया करते हैं, ये भजन को, इसलिए ये भजन बड़ा सुंदर भजन है। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर हरि हरि जय राधे जय राधे ओ कोलता।